हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 11th February 2024 और मैं उठ चुकी हूँ। संडे है आज और अभी बज रहे हैं 4:30। सो राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग द मील फॉर माय डॉग्स। आज उनके लिए स्पेशल है, थोड़ा सा उनका फेवरेट है ये। सो आई हैव अ फिश ओवर हियर एंड ऑल्सो द राइस एंड नहीं सॉरी आज राइस नहीं है, उसमें दलिया है थोड़ा, देन थोड़ा सा ओट्स है, देन वेजिटेबल्स है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल है। तो वो अभी बन रहा है। मीनवाइल मैं फिश बॉईल हो चुका है तो उसमें से उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, उसमें से कांटे निकालने का काम कर लेती हूँ। तब तक वो बॉईल हो जाएगा, दलिया बॉईल हो जाएगा तब तक। सो लेट्स स्टार्ट द डे एंड यस। हेलो 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 अगेन। बाप रे, मेरी आंखें बंद हो रही। ओके, अभी बज रहे हैं 6:30 एंड ये नैरोबी है, इनका मील हो चुका है, वॉकिंग हो चुकी है। आज थोड़ा ज़्यादा वॉक करा है इसलिए 6:30 हो गया एंड अब अपना दिन शुरू करते हैं। थोड़ी सी कॉफ़ी बनाऊंगी मैं, फिर जो भी मेरे बचे हुए काम हैं, क्लाइंट्स का डाइट का रिव्यू करना, एक्सरसाइजेस के रिव्यू करना, वो सब चीज़ें एक बार देखूंगी और थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे एंड या दैट इज़ इट। सो See you at maybe at breakfast. इधर आओ maybe. बुबू इधर पे पिट्टी इधर इधर बैठो। So she is on laptop. She sits on the lap. She loves sitting on the lap. See. अब इनका पेट भर गया है, अब इनको थोड़ा सा सुलाऊंगी इन द सेंस वो जाके सोएंगे और फिर हम अपना डे स्टार्ट करेंगे, है ना। ये मैं अपने घर पे आई हूँ एक्चुअली, तो ये कुछ फ्रूट्स थे घर में, वो मैं खा रही थी इन ब्रेकफास्ट और उसके साथ दूध पिया। फिर ये लंच भी मैंने घर पे किया। एक्चुअली सैटरडे संडे में से एक दिन ही मुझे मिलता है घर पे जाने के लिए, अभी मम्मी डैडी हैं तो मैं घर पे जाती रहती हूँ। तो ये लंच था, सिंपल है, बहुत सारा दाल है विद थोड़ा सा राइस, घी, अचार और थोड़ा सा दही भी था, बट वो उस तरफ है वो दिख नहीं रहा है। ओके, सो शाम को मैंने ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया इन माई स्टूडियो। ये मेरे डॉग्स हैं, जैसे ही मैं मैट बिछा दूंगी और वर्कआउट करना चालू करूंगी, जब तक मैट नहीं बिछा तब तक ठीक है, मैट बिछाने के बाद वर्कआउट चालू करूंगी उनका मस्ती चालू हो जाता है। तो देन आई डिड कार्डियो ओनली, तो किया मैंने इंटवर्म्स प्लस पुशअप्स, देन ये हाई नीज प्लस माउंटेन क्लाइंबर्स, इसका कॉम्बिनेशन किया मैंने, तीन राउंड किए, 50 रेप्स किए हर सेट में, देन दिस वॉज लॉन्ग जम्प्स, देन लास्टली किया बर्पीज विथ टक जंप। तो ये मैंने टोटल 50 किया एक्चुअली। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा मैं उनके साथ बैठी, थोड़ा 5-10 मिनट का स्ट्रेचिंग किया मैंने, दैट वॉज फॉर इट। देन आई टुक द सेल्फी फॉर द डे। उसके बाद मैं आउटडोर सेशन के लिए बाहर गई एंड 45 मिनट्स कम्प्लीट किया, देन दिस वॉज द स्टेटस। उसके बाद मैं अपने स्टूडियो में आई और मैंने अपना बुक रीड किया, क्योंकि बाहर बहुत सारे फायर क्रैकर्स बज रहे थे, किसी की शादी थी तो मेरे डॉग काफ़ी डरते हैं, उसकी आदत नहीं है उनको, इसलिए सो ये मेरे लैप पे आके ऐसे बैठी थी। ये टोक्यो है। यू विल रीड अ बुक, यू गोइंग टू रीड अ बुक, यू रीडिंग अ बुक। उसके
के बाद ये लेट नाइट का वीडियो है छोटा सा, दे वर फीलिंग प्लेफुल तो ऐसे छोटा सा वीडियो निकाला, सोने के पहले इनको ऐसी थोड़ी सी खुशी आती है। सो ये था मेरा दिन आज का, दैट इज़ हाउ आई स्पेंड माई संडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू टुमारो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, and that is it. Bye bye, take care.